कारपेंटर आपके सामने अकाउंटेंसी क्लास 12 का टॉप चैप्टर 3 टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म की जो कंडीशन है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ये पहला बिंदु अपन यहाँ पे देखते हैं, है ना, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। विद्यमान सभी साझेदार ये जब सहमत हो जाते हैं कि वो अपने अपने लाभ लाभ अनुपात में अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें क्या करना है, चेंजिंग करना है, चेंज करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, जो पार्टनरशिप डील होती है उसमें भी क्या कर दिया जाता है, चेंजेस करना जरूरी रहता है। ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पार्टनरशिप डील इज चेंज्ड, पार्टनरशिप डील में भी चेंज करना पड़ता है, फॉर किसके लिए, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चेंज हुआ है उसके लिए पार्टनरशिप डील में भी क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। तो सभी साझेदार अगर सहमत हो जाए कि उन्हें क्या करना है, अपने लाभालाभ अनुपात जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें अगर चेंज करना है तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए उनके जो पार्टनरशिप डील होती है उसमें भी क्या करना पड़ता है, उनको चेंज करना पड़ता है। एग्जांपल ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं इसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ठीक है, जब ए और एग्जांपल में देखते हैं, ए बी और सी तीन साझेदार है। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर में वो प्रॉफिट को 1:1:1 के रेशो में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम यहां देखते हैं उनका जो ओल्ड रेशो है 3:2:1 ए बी और सी, लेकिन उनका न्यू जो रेशो है वो क्या 1:1:1 ए का बी का और सी का। ठीक है, 3/6 2/6 1/6 1/3 1/3 1/3। ठीक है, है ना, अगर हम बी का देखें, अगर ए का हम देखते हैं, ये ए का पहले कितना था और 50% था, कितना था इसका 50% और अब कितना हो गया 33%। ठीक है, पहले कितना था इसका 50% था, अब कितना हो गया 33.333% हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसको क्या कर रहा है, जो सी है वो क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसे सी क्या कर रहा है, ये जो सी है, ये जो सी है, ठीक है, ये जो सी है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, क्या मतलब सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, उसका इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जो गेन करने वाला जो पार्टनर है वो उसको कंपनसेशन के रूप में क्या देगा, प्रीमियम अमाउंट की गुडविल देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो पार्टनर्स है उनके जो बिटवीन द रिलेशनशिप है उनमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसको अपन आगे देखते हैं, इन दिस कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दिस अलोंग विद, इसके साथ ही गेनिंग रेशो को कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट किया जाता है, गुडविल को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो जो कह सकते हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उसको क्या देगा, कंपनसेशन देगा, किस अनुपात में देगा, तो उसने जो गेन किया है जो उसका गेनिंग रेशो, उस गेनिंग रेशो में क्या करेगा, उसको वो कंपनसेशन देगा। इसलिए यहां गुडविल का वैल्यूएशन करना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, जो असेट्स और लायबिलिटीज है उनका भी रिवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अगर उनके मूल्य में जो इंक्रीज हो जाती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाती है, तो उस प्रॉफिट का भी क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। इसके साथ उनकी जो कैपिटल है उसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है, अगर पार्टनर चाहे तो उसको, अगर चाहे तो उसको नए अनुपात के रूप से रख सकते हैं, रूप में रख सकते हैं, या फिर पुराने अनुपात के हिसाब से उसको रख सकते हैं। तो जैसा अगर पार्टनर चाहे वैसा कर सकते हैं कि अपनी जो कैपिटल है उसको न्यू रेशो के हिसाब से वो एडजस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ओल्ड रेशो के हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहता है, ये पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूट जो प्रॉफिट होता है, जो बिना बटा हुआ लाभ रहता है, उसका भी एडजस्टमेंट करना क्या होता है, जरूरी होता है। हैज बीन द डिस्कस्ड द लेटर, इन सभी चीजों पर भी विचार करना बहुत जरूरी रहता है।
ठीक है।